दोस्तों, अभी अभी नई खबरें निकलकर आई हैं। आप हफ्ते में निपटा लें ये जरूरी काम, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और हाँ, 31 मार्च तक ये काम करना बहुत जरूरी है। और साथ में राशन कार्ड पर आए बड़े दो बदलाव, और जानते हैं क्या हो सकते हैं आपको नुकसान और क्या है वो राशन कार्ड के बदलाव। पर आपको इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। पैन आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी गई है, जो पहले 30 जून 2018 तय की गई थी। अगर नए डेडलाइन के अंदर आपने यह जरूरी काम नहीं निपटाया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन बेकार माना जाएगा। और दूसरा नुकसान आपको ये हो सकता है, अगर आप 80C के तहत अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो इसके लिए आपको 31 मार्च तक अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होंगे। अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि आप टैक्स छूट का फ़ायदा उठा सकें। देश भर के राशन कार्ड धारक ध्यान दें, दो बड़े बदलाव किए गए हैं, इससे लोगों को राशन काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ, दरअसल देश में अब एक ही राशन कार्ड मान्य होगा। ऐसे में अगर आप नौकरी करते हैं और तबादला हो जाता है या किसी और वजह से स्थान बदलते हैं तो अलग से राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा, उसी कार्ड पर आपको राशन मिलता रहेगा। दूसरा बदलाव ये किया गया है, अब लोगों को अंगूठा लगाने पर ही राशन मिलेगा। इसके लिए सभी राशनों की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगेंगी, जिसमें कार्ड धारकों का आधार से लिंक हुआ पूरा ब्यौरा रहेगा। कार्ड नंबर फीड करते ही कार्ड धारक का पूरा ब्यौरा सामने आ जाएगा। इसके बाद कार्ड धारक बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाएगा तो उसे राशन मिलेगा। कार्ड धारक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से अंगूठा लगाने के बाद यूनिट के अनुसार राशन दिया जाएगा। सरकार राशन कार्ड को डिजिटल करने जा रही है। तेलंगाना व ओडिशा में राशन कार्ड ऑनलाइन हो गए हैं, बाकी के राज्यों में भी ऐसा जल्दी ही हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागों ने इसका खाका तैयार कर लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यूज़ की अपडेट्स मिलती रहे।